शहीदों को सम्मान देने के लिए आए हैं, तो एक बार इन शहीदों के लिए हाथ उठाकर, अरे इन्होंने तो हमारी रक्षा के लिए इन परिवारों में अपने उन लाडलों को और अपने उन छाती के उन वस्त्रों को और अपने उन अधिकारों के भी और उन माँ के लाल और भारती के लाडलों को समर्पित कर दिया सिर्फ हमारी रक्षा के लिए। एक बार उठाइए हाथ और बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। मैं सबसे पहले तो नमन करता हूँ माँ भारती के एक ऐसे लाडले जिन्होंने सीने पर गोलियां खा करके हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे अमर बलिदानियों के परिवारों से आए ऐसे वीर शहीदों की वीरांगनाएं और उनके परिवारों के जो सदस्य हैं, जय हिंद मंच का ये राष्ट्रीय महासचिव नवीन जय हिंद अमर शहीदों के चरणों को नमन करता है और आप लोगों के चरणों को नमन करता है और इन अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। और वास्तव में अगर आज जो राजू भाई ने यहाँ पर जो एक पीड़ा उठाया है, जो जय हिंद मंच ने जो पीड़ा उठाया है, वो जय हिंद मंच ने एक पीड़ा उठाया है कि जब तक भारत की भूमि पर शहीद होने वाले प्रत्येक जवान को सम्मान नहीं मिल जाता, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इन शहीदों का सम्मान करते रहेंगे। अगर सम्मान करने के लिए आए हैं तो शहीद के परिवार को देख करके एक बार जय हिंद मंच के साथ मिल करके जितने भी शहीद के परिवार यहाँ पर आए हैं अपने दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से इनको वो सम्मान दो ताकि इनको ये आश्वासन दिलाओ कि आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। मैं नमन करता हूँ भारत की माटी का एक ऐसा लाल जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी जिन्होंने जय हिंद मंच क्या है और क्यों आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है संदीप साहब, हम आपको ये बताएंगे और क्या इन परिवारों के मन में पीड़ा है, क्योंकि मीडिया के साथी भी हैं और दूसरे भी साथी हैं। जब जय हिंद मंच ने 1000 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई, उन शहीदों के परिवारों के दर्द को घर घर जाकर के जब हमने जाना, क्या कभी आपने सोचा है जब एक शहीद का शव उसके गांव में आता है, शहीद हेमराज के गांव के भाई और बुजुर्ग हैं, क्या बीतती है उस गांव पर, पूछो इन नन्नी नन्नी बच्चियों पर, शहीद जसवंत सिंह के परिवार से पूछिए, शहीद दलवीर सिंह के परिवार से पूछिए, शहीद जगदीश बिश्नोई के परिवार से पूछिए और रास नायक सुधाकर के परिवार से पूछिए और पूछिए उस पूरे गांव से, उस माँ से पूछिए, क्या बीतती है उस माँ पर जब शहीद का शव उसके गाँव में आता है। हम लोग तो एक दिन उसके दाह संस्कार में आ जाते हैं और हर राजनीति के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों के दिलों पर क्या पीड़ा होती है कभी सोचा है? क्या जय हिंद मंच को आज यहाँ पर आकर के आप लोगों के बीच में आकर के एक बात रखनी पड़ रही है कि इन शहीदों के परिवारों पर क्या बीत रही है? अरे ये तो अपना सब कुछ दे देते हैं लेकिन इन लोगों को बार 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 क्या मिलती है? परिवार का सदस्य चला गया और बार बार छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दर पदर ठोकर खानी पड़ती है इस परिवारों को। आप जैसे प्रबुद्ध और समाज के लोगों के होते हुए, देशभक्त लोगों के होते हुए, इसलिए जय हिंद मंच को जरूरत पड़ी कि आप लोगों के बीच में आकर के इन शहीद परिवारों की मौजूदगी में आप लोगों को दर्द बता सके, क्योंकि ना तो इनके परिवारों को नौकरी मिलती और ना इनके परिवारों को जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो झूठे झूठे वादे कर जाते हैं और ये उन वादों के लिए उन राजनीति के दलहारों पर चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इन बेचारों का कुछ नहीं होता। तो हम अगर मौजूदा सरकारें या दूसरी भी सरकारें, अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, हम
अपना ट्रेन चलाने की बात करते हैं, हम मंगलयान पर जाने की बात करते हैं, तो जय हिंद मंच मंगलयान पर जाने की बात नहीं करता। हम तो मांगते हैं इन शहीदों के परिवारों को एक आश्वासन, मांगते हैं कि बस भारत का कोई भी जवान शहीद नहीं हो। हम सरकारों से जय हिंद मंच मांगता है भारतीय सेना के रक्षा के जो प्रहरी हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए आधुनिक यंत्र मांगते हैं। अरे हम मंगलयान की बात करते हैं और हमारा सैनिक बर्फ में दब जाता है और 6 दिन 10 दिन लग जाते हैं, सैनिक के शव का पता नहीं चल पाता, हमारा सीना फट जाता है, हमारे सीमा के प्रहरी का सर काट करके ले जाते हैं और पूरी जिल्लत के साथ हम उसके शव को, या उसके जो हमारा एक अपमान कहे या हम गौरव कहे, लेकिन हम नहीं ला पाते, तो क्या यही है, क्या यही सेफ्टी है? क्यों नहीं ऐसे यंत्र बनाए जाए, अगर सौ शहीद का अगर कोई दुर्घटना या आपदा आ जाए तो 1 मिनट में पता लग जाना चाहिए कि हमारा सैनिक कहां बर्फ में दबा है, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर, हेलमेट पर क्या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा सकती कि तुरंत पता चल जाए कि कहां पर हमारा सैनिक है। अरे बुलेट प्रूफ जैकेट, आज इतनी ऐसी घटिया किस्म की बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों को दे देते हैं और वो सैनिक खड़ा हो जाता है। भाई साहब, जो सियाचिन और दूसरी जगहों पर जहां पर है हमारे सैनिक आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते हैं, क्योंकि भारतीय सेना का कोई भी जवान कमजोर नहीं है। जब 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई आप लोगों ने देखी, अरे उसके लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए राज्यों को सड़क पर आना पड़ा अपनी मांगों के लिए, क्या ऐसा काम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो देशभक्तों, अगर वास्तव में आप इन सैनिकों को सम्मान देना चाहते हैं तो जय हिंद मंच के साथ मिलकर के ये संकल्प उठाना कि चाहे कुछ भी हो, हम किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, हम राम राम वाहेगुरु जय माता दी सब कुछ बोले, लेकिन जब भी सेना या सैनिक मिले तो उसके सम्मान में जय हिंद जरूर बोले। क्या जय हिंद बोलेंगे? क्या जय हिंद बोलेंगे तो एक बार खड़े होकर के, साथ ही खड़े होकर के इन शहीद परिवार को दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये सौगंध खाए कि हम सब मिल करके ये सौगंध खाते हैं। बोलिए मेरे साथ हाथ उठा करके कि हम सब मिल करके ये सौगंध उठाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इस देश में रहना है तो इस देश की जयकार बोलनी होगी। हम सैनिकों के सम्मान में जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद बुलवाएंगे। जय हिंद मंच के ये लोग कौन है, तो सुन लेना कि धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने पे रखते हैं, इसलिए जय हिंद हमारी निशानी है, जय हिंद हमारी निशानी है। गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा जी जो सीमा के बॉर्डर पर जाकर के उन सीमा के रक्षा के प्रहरियों के लिए हमेशा साथ खड़ी रहती हैं, ऐसी गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा जी आपको नमन करते हैं। एक ऐसा ही युवा सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता सैनिक परिवार यहाँ पर है, अगर आपकी मांगों में या किसी भी चीज में कमी आती है तो यह सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता जय हिंद मंच का सिपाही फ्री में सैनिकों के साथ खड़ा होता है और सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ता है। करनाल का ये युवा अशोक रैना, डॉक्टर साहब ये जितने भी प्रहरी यहाँ पर है, सती साहब ये ऐसे नहीं है, घर परिवार में जा करके उनकी मदद करते हैं। और जब आपको जानकर ये खुशी होगी, गौरव होगा, जब एक आतंकवादी हफीज शहीद ने ये कहा था
कि कहीं कश्मीर के लाल चौक पर आकर के दिखाओ तो सेना की जरूरत नहीं पड़ी। इसी जय हिंद मंच की टीम ने सौभाग्य मुझे मिला वो कि कश्मीर के लाल चौक पर एक बार नहीं तीन बार तिरंगा लहराया गया, तीन बार। और जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पिछले ही दिनों रक्षाबंधन पर एक मुस्लिम बेटी ने आतंकवादियों से यह आह्वान किया कि तुम इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को छोड़ो और मत मारो मेरे इन सैनिकों को, मत शहीद होने दो और आपस में भाईचारा बनाओ। तो मुस्लिम लड़की जब वहां लाल चौक पर जाने लगी तो उसका भी आतंकवादियों ने विरोध किया। तब इस जय हिंद मंच की टीम ने, मैं नमन करता हूँ जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी को, जिनके नेतृत्व में 6,841 गांव की तिरंगा यात्रा निकली और भाई बहन का पवित्र त्योहार उसी कश्मीर के लाल चौक पर मनाया गया। और उन तिरंगा लहरा करके उन आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा मारा गया। तो उठाइए हाथ और बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। और राजू भाई, आपने जो ये प्रयास किया है, आपको ये जय हिंद मंच सच सच नमन करता है और सैल्यूट करता है। जय हिंद, जय भारत।